नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर MIUI 12 का जो ग्लोबल स्टेबल बीटा वर्जन है वो यहाँ पर अगले हफ्ते से जो है रोल होना स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा ये भी आज हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बताया गया दोस्तों कि MIUI ने कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है MIUI 12 को डेवलप करने के लिए, और साथ में उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करी हमारे मी फैन के साथ। दोस्तों उन्होंने बताया है कि कैसे जो आपको कब अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारे ही डिवाइसेस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड बैच दो बैचेस के अंदर जो है अपडेट को यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये स्टेबल वर्जन है वो जून के एंड से शुरू होंगे मिलना और ये दो बैचेस में यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। जो कि इन्होंने बताया फर्स्ट बैच जो कि यहाँ पर एंड ऑफ जून से स्टार्ट होगा, और उसके अलावा यहाँ पर एक सेकंड बैच भी होगा जो यहाँ पर रिलीजिंग इन्होंने डेट कंफर्म नहीं की, बस उसके बाद लगातार कुछ सेकंड बैच यहाँ पर पता नहीं किस तरीके से देंगे, ये शायद आगे ये बता दे हमको। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं किस किस को यहाँ पर कब कब यहाँ पर ग्लोबल अपडेट देखने को मिल जाएगा, यानी स्टेबल पूरा ग्लोबल स्टेबल वर्जन आपको कब कब देखने को मिल जाएगा। अगर हम फर्स्ट बैच की बात करें तो हमको सबसे पहले यहाँ पर Mi 9 के अंदर, उसके बाद Mi 9T के अंदर, उसके बाद Mi 9T Pro के अंदर, यहाँ पर उसके बाद जो है सबसे पहले जैसे कि बाकी सारे लोगों को कुछ बीटा टेस्टर्स को ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर Redmi K20 और K20 Pro के लिए, तो यही जो है 4-5 डिवाइसेस सबसे पहले इनके लिए यहाँ पर जो है यानी Mi 9 सीरीज़ हो गई, और साथ ही में जो यहाँ पर Redmi K20 की जो सीरीज़ है इनको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट देखने को भी लगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस को यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म करना चाहूँगा ऑफिशियल लिस्ट के अनुसार Redmi Note 7 को यहाँ पर सबसे पहले उसके बाद देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर Redmi Note 7 Pro मतलब 7 की सारी सीरीज़, Note 7 सीरीज़ हो गई, यहाँ पर Mi 10 सीरीज़ हो गई, साथ ही में यहाँ पर Redmi Note 8 Pro को देखने को मिल जाएगा, Note 9 को देखने को मिल जाएगा, Poco Phone F1 को देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में यहाँ पर Poco F1 को देखने को मिल जाएगा। Poco Phone F1 ग्लोबल और इंडियन वर्जन के हिसाब से इन्होंने रखा है, तो पहले ग्लोबल और फिर उसके बाद इंडियन में जो भी है जिस तरीके से भी आपको यहाँ पर स्टेबल देखने को मिल जाएगा। सारे अपडेट्स आपको इसी साल देखने को मिल जाएंगे और लाइन वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे। इसके बाद आता है हमारा Poco F2 Pro को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर Poco X2 हो गया, Mi 10 Lite हो गया, Mi Note 10 हो गया, Mi 8 हो गया, Mi 8 Pro हो गया, Mi Max हो गया, Mi Mix 2S हो गया, यहाँ पर Mi 9 SE हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर Mi 9 Lite के अंदर भी देखने को मिलेगा अपडेट, Redmi Note 7S के अंदर, Mi Note 3 मतलब Note 3 को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। इसके अलावा Mi Mix 2 के अंदर, Mi Max 3 के अंदर, Mi 8 Lite के अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छी वाली बात यह है कि यहाँ पर Redmi Y 2 को भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा, और S2 को भी, मतलब ये ग्लोबल वर्जन हो गया और ये इंडियन वर्जन हो गया, तो इनको भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 6 की जो सारी सीरीज़ है, 5 की सारी सीरीज़ है, Note 5 की सारी सीरीज़ यहाँ पर, उसके अलावा Redmi 6 की सारी सीरीज़ यानी 6, 6 Pro और 6A इन सभी को देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पर Note 6 Pro को भी देखने को मिलेगा। Y3 को यहाँ पर मिल जाएगा आराम से अपडेट, उसके अलावा Redmi 7 को, उसके बाद 7 की सारी सीरीज़ हो गई 7A यहाँ पर, उसके बाद Note 8 हो गया, Note 8T हो गया, उसके अलावा फिर Redmi 8 हो गया, Redmi 8A हो गया, Redmi 8A डुअल सिम वाला शायद दो वेरिएंट हो गए तो अलग अलग उन दोनों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर Redmi Note 9S हो गया, और यहाँ पर Redmi Note 9 Pro हो गया, Redmi Note 9 Pro Max हो गया, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर Mi Note 10 Lite के अंदर हमको ये अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। बाकी इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी, देखते हैं कितनी जल्दी जो यहाँ पर रोल आउट करता है। मेरे को यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी जल्दी जो यहाँ पर MIUI जो है काफ़ी जल्दी यहाँ पर जो है सारे अपडेट Xiaomi बहुत जल्दी यहाँ पर सारे अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ आज ग्लोबल लॉन्च के इवेंट की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया इवेंट रहा, जहाँ पर ऑनलाइन था पूरा इवेंट, अगर आपने नहीं देखा तो आप अभी भी जाके देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई कि फ्लोटिंग विंडो किस तरीके से काम करता है, उन्होंने ये मार्स वाला जो है एक कहाँ से लेके आए ये, सो फ्रेंड्स इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो मार्स का आइडिया है वो कहाँ से लेके आए, अर्थ वाला कहाँ से लेके आए, ये जो सुपर वॉलपेपर वाला आइडिया है कहाँ से ये जो है लेके आए। इसके अलावा
अलावा फ्रेंड्स उन्होंने काफी सारी जानकारियां यहाँ पर शेयर करी, जैसे कि पिक्सल फोन्स के अंदर भी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कुछ उस तरीके की चीज़ें भी उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पर जो है हमारा फोन जो है वो पूरा एज टू एज सपोर्ट देता है, यानी कि जब आप कुछ इस तरीके से आप कोई भी चीज खोलते हैं तो यहाँ पर ये पूरा एक एक्सपीरियंस देता है और पूरा एज से एज तक को टच करता है, यहाँ से कोने तक मैं बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है यहाँ पर छोड़ता नहीं है स्पेस वगैरह कुछ भी। तो बाकी तो बहुत ही बढ़िया रहा सब कुछ, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर मैं का इवेंट यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें पोको X2 को कब तक जो अपडेट देखने को मिलेगा, तो अगले हफ्ते तक हमको यहाँ पर बीटा ग्लोबल बीटा वर्जन देखने को मिल जाएगा पोको X2 का भी। तो देखते हैं कब तक हमको देखने को मिलता है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं जब तक यहाँ पर चाइना बीटा और EU रोम तो आप चला ही रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और आपको अपडेट देते हैं, यहाँ पर MIUI 12.20.5.19 का जो है बीटा वर्जन यहाँ पर चाइना के अंदर रिलीज कर दिया गया है, जिसको मैं ऑलरेडी अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं PUBG खेल के देख रहा हूँ कि अब क्या वो PUBG वाला बग जो है वो फिक्स किया गया है कि नहीं किया है, और कौन कौन से यहाँ पर नए फीचर हमको देखने को मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ फिलहाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेरे से जो है टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने सारे डाउट भी क्लियर यहाँ पर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपनी पर्सनल और यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।